दूज का पावन त्यौहार भाई बहन की अमर प्रेम की निशानी है। आज के दिन प्रत्येक बहना अपने भाई के सुखद जीवन और दीर्घायु होने के लिए यमराज से प्रार्थना करती है। साथ ही साथ श्रद्धा एवं भाव से यह पर्व करने पर भाई की अकाल मृत्यु भी टल जाती है। पहली कहानी है यम और यमी की और दूसरी कहानी बहन द्वारा भाई की जान बचाने की है। तो आइए आपको दो दो कहानियों से अवगत कराते हैं। बोलिए सूर्य पुत्र यम की। यमुना का निमंत्रण आया तो यमराज मन में सोचने लगे कि डर के मारे मुझे कोई निमंत्रण ही नहीं देता, क्योंकि मैं जीवों का प्राण हरण करके उन्हें नरक में डाल देता हूँ। पहली बार बहना निमंत्रण भेजी है, वो भी भैया दूज के अवसर पे, तो जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार अपनी बहना के पास जाने से पहले यमराज नर्क के सभी प्राणियों को आजाद कर देते हैं और बहन यमुना के पास आते हैं। तो भक्त जनों, आगे देखिए इस कथा में क्या क्या होता है। कृपा से अंत समय में करे
सत्कार से खुश होकर यमराज ने यमुना से कहा, हे बहन, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। तुमको जो वरदान मांगना है वो मुझसे मांग लो। तब बहना यमराज से दो वरदान मांगती है कि भैया दूज का व्रत करके जो भी बहन अपने भाई को टीका लगाए वो कभी नर्क में ना जाए और आपका भय ना सताए। यमराज बहना के वरदान मांगने पर बोले, हे बहना, जो भी भैया दूज का पावन व्रत करेगा उसका भाई स्वर्ग जाएगा, उसके भाई की अकाल मृत्यु नहीं होगी। इतना ही नहीं, इस त्योहार के फल से बहन अपने भाई को मौत के मुंह से खींच कर लाएगी और नव जीवन प्रदान करेगी। यमराज के वरदान से एक बहन अपने भाई को किस तरह काल से बचाती है, आइए सुनते हैं। शादी के बाद बुढ़िया जब लड़कों की शादी करने लगी तो शादी के मंडप में ही एक नाग आकर लड़के को काट कर मार देता है। बुढ़िया के 6 लड़कों को सांप पहले ही मार चुका था, केवल 7वां ही बचा था। वो भैया दूज के पर्व पर अपनी बहन के ससुराल बहन से मिलने जाता है तो वही सांप रास्ते में आकर कहता है कि आज मैं तुम्हें डस लूंगा और तू मर जाएगा। लड़का सांप से कहता है कि जब आज मैं अपनी बहन से टीका लगा लूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मुझे काट लेना। सांप कहता है, तेरे बात पर कैसे विश्वास करूं। तब लड़का बोला, तू मेरे साथ मेरे झोले में चल, तिलक लगाने के बाद मुझे काट लेना। लड़के की बात मानकर सांप झोले में बैठकर लड़के के साथ चल देता है। अब आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। घर
घर जाने की तैयारी करने लगा तो बहन ने उसे रास्ते में खाने के लिए झोले में लड्डू रख दिए। भाई झोला लेकर चला गया तो बहना जब आटा पीसने वाली चक्की के पास गई तो देखी कि उसमें सांप पिस गया है। लड्डू वाला चना भी उसी चक्की में ही पीसी थी। सांप को देखकर सोची कि लड्डू तो जहर से भरा पड़ा होगा, मेरा भाई कहीं खा कर मर न जाए। ऐसा सोचकर वह घर से तेजी से दौड़ी और रास्ते में पूछते पूछते भाई के पास पहुंची, जो थक कर एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। आगे बहना क्या करती है, आइए सुनते हैं। बहन चलती है तो रास्ते में बहन को प्यास लगती है। बहन भाई को बैठा कर तालाब की तरफ जाती है तो वहाँ सात पत्थर देखती है जिसमें छह गड़े हुए थे। एक बिना गड़े हुए था, जिसे देखकर बहन पास में खड़ी एक बुढ़िया से पत्थर के बारे में पूछी तो बुढ़िया बोली कि एक बुढ़िया के छह बेटे शादी के मंडप में सांप द्वारा मारे गए, ये छह पत्थर उसी के हैं, सातवां बचा है, वो शादी के मंडप में मारा जाएगा तो सातवां भी गड़ा हुआ मिलेगा। बहन बुढ़िया की बात समझ गई और सातवें भाई को बचाने का उपाय पूछी तो बुढ़िया बोली कि उसकी बहन ही उसे बचा सकती है। बहन भाई को कैसे बचाई, आइए आगे सुनाती हूँ। पिटारी में बंद देखकर नागन आ गई और अपने पति को छोड़ने को बोलने लगी। तब बहना बोली कि अब तो मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी
जब तुम मेरे छह भाइयों को जीवित करोगी। बहना के जिद के आगे नागन झुक जाती है और छह भाइयों को जीवित करती है और नागन अपने पति के साथ चली जाती है। बुढ़िया अपने सातों बेटे, बहू और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बुढ़िया के आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। इसके बाद बहना क्या करती है, सुनते हैं। लक्ष्मी भी बहना के संग उसके ससुराल चली है। लक्ष्मी भी बहना के संग उसके ससुराल चली है। बुढ़िया बोली बेटी से, बेटी मेरी बात मानो। लक्ष्मी तेरे साथ जा रही, लक्ष्मी जी को पहचानो। लक्ष्मी तेरे साथ जा रही, लक्ष्मी जी को पहचानो। नैहर और ससुराल की बेटी पूरा करे अरमान। नैहर और ससुराल की बेटी पूरा करे अरमान। ये भैया दूज का पर्व महान, ये भैया दूज का पर्व महान। बुढ़िया की बेटी ससुराल चली तो बुढ़िया के घर की लक्ष्मी भी उसके साथ चल दी। तो बुढ़िया बोली, बेटी लक्ष्मी भी तेरे साथ जा रही है, इन्हें तू नैहर और ससुराल दोनों में आधी आधी बांट दे। बेटी ने वैसा ही किया। लक्ष्मी माँ से बोली, माँ अपना आधा ध्यान मेरे नैहर पे, आधा ससुराल में दो। लक्ष्मी माँ लड़की की बात मान गई। ये भाई बहन के प्रति बहन की त्याग का पावन पर्व है। भैया दूज कथा यही समाप्त होती है। भाई दूज भाई और बहन का पवित्र त्योहार माना गया है और ये त्योहार पूर्ण हर्षोल्लास के साथ दीपावली के दो दिन बाद मनाया जाता है। कार्तिक मास की द्वितीय तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है और इसको यम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अविवाहिता बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और उनको नारियल गोला भेंट देती हैं। विवाहित बहनों के घर भाई जाते हैं और बहनें अपने भाई को भोजन खिलाती हैं, उन्हें तिलक लगाती हैं और भाई भी अपनी बहनों को उपहार रूप में कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। इस त्योहार की शुरुआत कब से हुई और किसके द्वारा इस त्योहार को पहले मनाया गया, इसके विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए उनमें से कुछ कथाएं आप सभी भक्तों को सुनाते हैं। सारे त्योहार मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। आओ भाई दूज की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों भाई दूज का हम सारे त्योहार मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। आओ भाई दूज की तुमको कथा सुनाते हैं,
तुम्हें देख के जाना मोहन, तुम्हें देख के जाना मोहन, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं। दिल हो बैठा दीवाना, दिल हो बैठा दीवाना, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर तुम हो जिधर हम दौड़े चले आते हैं, नींद वींद चैन वैन छोड़े चले आते हैं, तुम हो जिधर हम दौड़े चले आते हैं, नींद वींद चैन वैन छोड़े चले आते हैं। बस तुमको पाना मोहन, बस तुमको पाना मोहन, दूसरा ठौर नहीं, दूसरा ठौर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं। एक पल दूर तुमसे रहना कठिन है, शब्दों में हाले दिल कहना कठिन है, एक पल दूर तुमसे रहना कठिन है, शब्दों में हाले दिल कहना कठिन है। अब हमने भी माना मोहन, अब हमने भी माना मोहन, तुम बिन भोर नहीं, तुम बिन भोर नहीं, हमको मोहन प्यारे जीने की राह दो, चाहत कमल की यही प्रेम की चाह दो, हमको मोहन प्यारे जीने की राह दो, चाहत कमल की यही प्रेम की चाह दो। चाहे जले जमाना मोहन, चाहे जले जमाना मोहन, करें हम गौर नहीं, करें हम गौर नहीं, दिल हो बैठा दीवाना, दिल हो बैठा दीवाना, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं।
श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
नींद आती नहीं हमको मोहन, हमने जब से मोहब्बत की है। हमने जब से मोहब्बत की है, दिल लगता दिल लगता दिल लगता नहीं है कहीं भी। अरे कैसी ये दिल की लगी है, आती नहीं हमको मोहन, हमने जब से मोहब्बत की है। ऐसा लगता है लंबी जुदाई, ऐसा लगता है लंबी जुदाई, ऐसा लगता है लंबी जुदाई। दूर होते हो हमसे जो पल भर, ऐसा लगता है लंबी जुदाई, इस दर्द की मोहन दवा दो, इस दर्द की मोहन दवा दो। वैद्य तुम सा तो कोई नहीं है, नींद आती नहीं हमको मोहन, हमने जब से मोहब्बत की है। ऐसा होता कब तक, हमें चिंता कमल खाती रहती, हमें चिंता कमल खाती रहती, हमें चिंता कमल खाती रहती। ऐसा होता रहेगा यूं कब तक, हमें चिंता कमल खाती रहती, आके सीने से मुझको लगा लो, आके सीने से मुझको लगा लो। तुमसे मिलने की आस लगी है, नींद आती नहीं हमको मोहन, हमने जब से मोहब्बत की है।
देखी जगत में प्रीत श्याम सुदामा सी। ना देखी जगत में प्रीत श्याम सुदामा सी। सुदामा सी रे सुदामा सी, भला कौन निभाए रीत श्याम सुदामा सी। ना देखी जगत में प्रीत श्याम सुदामा सी। जहाँ पे मतलब प्यार नहीं है, जहाँ पे मतलब प्यार नहीं है, यारी नहीं वो यार नहीं है, यारी नहीं वो यार नहीं है, यारी तो सर दे के निभती, यारी तो सर दे के निभती, इसके सिवा कोई सार नहीं है, इसके सिवा कोई सार नहीं है। नाहार 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 भई ना जीत श्याम सुदामा सी। नाहार भई ना जीत श्याम सुदामा सी। ना देखी जगत में प्रीत श्याम सुदामा सी। छोड़ सिंहासन काना दौड़े, छोड़ सिंहासन काना दौड़े, ऐसे लिपटे फिर ना छोड़े, ऐसे लिपटे फिर ना छोड़े, चरण न पकड़ो मेरे मोहन, चरण न पकड़ो मेरे मोहन, हाथ सुदामा ने बड़े जोड़े, हाथ सुदामा ने बड़े जोड़े, दिलदारी 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 कहाँ प्रतीत श्याम सुदामा सी। दिलदारी कहाँ प्रतीत श्याम सुदामा सी। ना देखी जगत में प्रीत श्याम सुदामा सी। ऐसे तंदुल खाए प्यारे, ऐसे तंदुल खाए प्यारे, निकल गए थे कांटे सारे, निकल गए थे कांटे सारे, बिन मांगे सब मिला कमल सिंह, बिन मांगे सब मिला कमल सिंह, जहाँ थी कुटिया महल वहाँ रे, जहाँ थी कुटिया महल वहाँ रे, न कहानी न कहानी न कहानी न कोई गीत श्याम सुदामा सी। न कहानी न कोई गीत श्याम सुदामा सी। ना देखी जगत में प्रीत श्याम सुदामा सी।
उस बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की, उस बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, देखी दुनिया दीवानी, देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी, ये मतलब की मस्तानी, बिन मतलब रुख ना जोड़े यह नित नित नई कहानी, बिन मतलब रुख ना जोड़े यह नित नित नई कहानी। किस किस को छोड़ू बाबा, किस किस को छोड़ू बाबा, किस किस को अपनाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, सुख दुख पहलू जीवन के, सुख दुख पहलू जीवन के, बस वहम ही है ये मन के, बस वहम ही है ये मन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली उलझी, मैं कैसे सुलझाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, बंधन दुनिया के झूठे, बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे, कोई माने कोई रूठे, रविराज चाहे जग छूटे, ये तार कभी ना टूटे, मेरे श्याम चाहे जग छूटे, ये तार कभी ना टूटे। बस इतनी कृपा तू कर दे, बस इतनी कृपा तू कर दे, मैं तेरा हो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, पितु मात स्वामी
सखा हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बात तिहारी गोकुल में चमके मथुरा के तारे गोकुल में चमके मथुरा के तारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा अधर पे बंसी हृदय में राधे बट गए दोनों में आधे आधे हे राधा नागर हे भक्त वत्सल सदैव भक्तों के काम साधे संदेश तुम्हीं से पाया संदेश तुम्हीं से पाया अमर है गीता के बोल सारे अमर है गीता के बोल प्यारे श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा
मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने शाम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूरतिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, हो जाऊं अब तेरी सांवरिया। ये कैसी निगोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी। रूप रहस्य अंग अंग में समानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
जरूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा खिचड़े का खाना दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मण खड़ी। तीसरा मीरा काना दिल दीवाना हो गया। तीसरा सपनों